अब आइए चलते हैं भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति पर। भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति को हम थोड़ा सा पहले के समय से देखें, इसका आकलन करें, तो हमने यहाँ पर देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभ से लेकर काफ़ी लंबे समय तक भारत में भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थितियाँ ही बनी रहीं। बहुत सारे इसके कारण थे। हमने पिछले भी कई अध्यायों में देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की क्या स्थिति थी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, कृषि के क्षेत्र में बात करें या औद्योगिक क्षेत्रों में बात करें, सभी क्षेत्र में एक जर्जर स्थिति ही हमको देखने को मिली। तो फिर हम भुगतान संतुलन की अगर बात करें उस समय के लिए तो प्रतिकूल ही परिस्थिति हमारे सामने आएगी। एक महत्वपूर्ण कारण इसका द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी जो आवश्यकताएं थी, जो मांगें थी, जो रुकी हुई थी, उनका प्रारंभ हो जाना और उसको पूरा करने के लिए आयात का बढ़ जाना, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो जाना, जनसंख्या लोगों के देश के लोगों की जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं कम से कम उसकी पूर्ति हो पाए, ये तो सरकार का उत्तरदायित्व था, तो उसके लिए आयात करना। फिर एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद की अगर हम बात करें तो इतनी अच्छी टेक्निक हमारे पास, कुछ तकनीकें नहीं थी, संसाधन नहीं थे जिससे हम प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर पाते। अब चाहे अलग अलग उद्योगों की हम बात करें या कृषि की हम बात करें, खाद्यान्न की अगर हम बात करें, तो किसी भी क्षेत्र में इतना अच्छा डेवलपमेंट तो नहीं था कि अपने देश के जो उत्पाद हैं उससे ही हम देश के लोगों के की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं आयात पर निर्भर रहना या निर्भर हो जाना देश की ज़रूरत भी थी और ऐसा ही हुआ। तो ये सब ऐसे कारण बने जिससे देश में जो भुगतान संतुलन की जो स्थिति थी वो प्रतिकूल बनी रही, काफ़ी लंबे समय तक प्रतिकूल रही। लेकिन आगे हम इस पर एक नज़र डालें तो 1950-51 में ये जो भुगतान संतुलन था वो अनुकूल हो गया, क्योंकि हमने पहले देखा था कि फिर देश ने काफ़ी प्रयास किया, उद्योगों को बढ़ावा दिया, उनको जो रुग्ण बीमार पड़े उद्योग थे, औद्योगिक इकाइयां थी, उनके विकास में कार्य किया, बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में भी उन्नत तकनीकें अपनाई गई, तो प्रोडक्शन जो था वो भी बढ़ा। तो इन सब चीज़ों की, इन सब प्रयासों के चलते भुगतान संतुलन जो था फिर वो धीरे धीरे अनुकूल होता गया, निर्यात की जो मात्रा थी वो बढ़ने लगी और आयात जो था वो कम होने लगा। बहुत सी ऐसी वस्तुओं का जो हम लंबे समय तक जिनका आयात हम कर रहे थे उस पर हमने यहाँ पर उसको प्रोडक्शन अपने देश में करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आयात पर हमारी जो निर्भरता थी वो कम होती गई, निर्यात के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उत्पादन होता गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बनी कि लगभग अगर हम बात करें तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वहाँ तक जो ये स्थिति थी भुगतान संतुलन की वो अनुकूल बनी रही, और उसके बाद अगर हम नज़र डालें तो फिर से भुगतान संतुलन की स्थिति प्रतिकूल हो गई, जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई, लोगों का जीवन स्तर जब ऊंचा उठा तो उनकी डिमांड जो थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई, एक्सपोर्ट जो हुआ वो कम था, आयात जो था वो काफ़ी अधिक होने लगा, बाहर के लोगों के प्रति, बाहर की वस्तुओं के प्रति लोगों की जो का जो रुझान था, उनकी जो पसंद थी वो बदलने लगी। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ा। बाहर की वस्तुओं का प्रयोग करना, इम्पोर्ट की हुई वस्तुओं का प्रयोग करना, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इम्पोर्टेड वस्तु का प्रयोग करना, लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना बहुत अच्छा लगने लगा। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सी कंडीशंस बनी कि फिर से प्रतिकूलता की स्थिति ने जन्म लिया। बार बार ये उतार चढ़ाव होता रहा, कई बार अनुकूलता की स्थिति भी बनी, कई बार प्रतिकूलता की भी स्थिति बनी, लेकिन अब हम देखें तो पिछले कई सालों से लंबे समय तक प्रतिकूलता की जो स्थिति है वो बनी रही। कई कारण है इसके पीछे, हमने पहले भी देखा कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ा कारण थी, लोगों की का जो जीवन स्तर था, लोगों की जो लाइफस्टाइल है, ऐसे बहुत से कारण बने जिससे भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वो देश में लगातार प्रतिकूल बनी रही। यहीं पर आइए हम एक नज़र डालें कि किसी भी देश में भुगतान संतुलन की मुख्य मदें जो दर्शाती हैं, या हम बात करें भारत की, तो भारत में भुगतान संतुलन की जो मुख्य मदें हैं वो हमेशा संतुलित अगर बनी रहे, संतुलन अगर बना रहे तो कई वर्षों की जिस प्रकार हम तुलना कर रहे हैं तो कैसे स्थिति उनमें बनती है, इस पर हम एक नज़र डालें। अप्रैल से सितंबर 2015
आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार मदें पहला निर्यात यूएस मिलियन डॉलर 1,35,597, सेकंड आयात 2,07,203, तीसरा व्यापार शेष -71,606, चौथा अदृश्य मदें शुद्ध 57,231, पांचवा चालू खाता शेष -14,375, छठवा पूंजी खाता शेष 25,358, सातवा भूल चूक -409, आठवा समुचित शेष 10,574, नौवा सरकारी कोष वृद्धि या कमी -10,574। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि किसी भी स्थिति में सरकारी कोष को पूंजी खाते के एक भाग के रूप में नहीं दिखाया जाता तो सरकारी कोष खाते को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ हम भुगतान शेष आधिक्य के बारे में यह कह सकते हैं कि भुगतान शेष आधिक्य बराबर चालू खाता का आधिक्य प्लस पूंजी खाता का आधिक्य, ये तब माना जाएगा जब सरकारी कोष खाता पूंजी खाते का एक भाग नहीं होता। दूसरी कंडीशन में भुगतान शेष घाटा बराबर चालू खाता घाटा प्लस पूंजी खाता घाटा भी हो सकता है। भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है जब सरकारी कोष खाता पूंजी खाते का एक भाग होता है और इस प्रकार चालू खाता शेष प्लस पूंजी खाता शेष बराबर शून्य। तो आपने देखा कि भुगतान संतुलन कई बार अनुकूल कई बार प्रतिकूल विभिन्न प्रकार की मदों को शामिल करते हुए हम उसका आकलन करते रहे। भुगतान संतुलन के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, कैसी स्थिति होती है, क्या पोजीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, काफ़ी हम इसका आकलन कर चुके होंगे, हम समझ चुके होंगे कि क्यों ऐसी दशाएं उत्पन्न होती है, क्यों प्रतिकूल होता है भुगतान संतुलन। तो आइए देखते हैं कि भारत में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के कारण क्या रहे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि। हमने पिछले भी अध्याय में देखा था कि पेट्रोल जो है वो कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है देश में, और भंडारण तो हमारे पास पर्याप्त है नहीं, हमको पेट्रोल के आयात के लिए, पेट्रोल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट हम पेट्रोलियम पदार्थों पर खर्च करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा हम देखते हैं कि मशीनों के आयात में वृद्धि। अब हमको अच्छी टेक्निक चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको निर्यात बढ़ाना है, भुगतान संतुलन को बराबर करना है, अच्छी वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, एक्सेस वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, कम से कम इतना प्रोडक्शन तो करना है कि हमारे देश में उपयोग होने के बाद हम उसको बाहर भी सेल कर सकें, निर्यात कर सकें, उसका एक अच्छा मूल्य हम प्राप्त कर सकें। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके लिए हमको बाहर की नई टेक्नोलॉजी की कुछ मशीनों को आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमारी जो भुगतान संतुलन है वो गड़बड़ाता है, हमको विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है अगर हम बाहर से मशीनों का आयात करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कारण है कि आशा के अनुरूप निर्यात नहीं कर पा रहे हैं हम, कहीं ना कहीं आयात तो बढ़ता जा रहा है लेकिन निर्यात नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। इसके भी अपने कई कारण हो सकते हैं, प्रोडक्शन कम है ये भी कहा जा सकता है, बहुत उन्नत तकनीकों का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कुशल मानव संसाधन का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसके लिए उत्पादन हमारा उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना होना चाहिए। दूसरी एक बात कि हो सकता है अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता नहीं दे पा रहे हैं जो कि बाहर के लोगों की डिमांड है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि निर्यात की मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण और विनियोग जो है ये भी महत्वपूर्ण कारण बनता है। ऋण हम दूसरे देशों से ले तो लेते हैं बहुत आसानी से, उस समय की जो समस्या होती है वो तो हल हो जाती है, लेकिन आगे जब उस ऋण के भुगतान की बात आती है तो बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है। श्रीलंका की स्थिति को हमने पहले से ही इस चैप्टर के प्रारंभ में देखा, तो कहीं ना कहीं हमको अंतर्राष्ट्रीय ऋणों से भी बचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विनियोग जो होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण होते हैं, हम अपने देश में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, दूसरे देशों में पैसे लगाते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हम लाभ प्राप्त भले करते हो लेकिन देश को तो उससे कहीं ना कहीं हानि होती है। एक महत्वपूर्ण कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके बारे में हम पहले से भी जान चुके हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या
एक बहुत बड़े कारण के रूप में, सबसे बड़े कारण के रूप में हम कह सकते हैं, जो कि आयात का जो बढ़ता हुआ स्तर है उसको जन्म देती हुई। प्रयास हमारा ये भी रहता है कि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं उनको अपने देश के उत्पादन से, प्रोडक्शन से पूरा कर पाएं। लेकिन लोगों की डिमांड जो होती है वो बदल जाती है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने भी बात की कि हम इम्पोर्टेड वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं, बाहर की वस्तुओं को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। हो सकता है कि उससे बेहतर, उससे बेस्ट क्वालिटी की वस्तु हम अपने देश में यूज़ करें, लेकिन लोगों की मानसिकता है, बढ़ती हुई जनसंख्या की अलग अलग मानसिकताएं, बढ़ती हुई जो उनकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं लगातार हमको आयात में वृद्धि करनी पड़ती है। यहीं पर हम देखते हैं कि सरकारी व्यय, बहुत सारे सरकारी कार्य आप देखते होंगे कि देश विदेश से जुड़े हुए होते हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो लोग हैं, विदेशों में जब विदेशी यात्राएं करते हैं, विदेशों से आना जाना करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कहीं ना कहीं हमको विदेशी जो मूल्य है, विदेशी जो मुद्रा है, उसका व्यय वहाँ पर करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुरक्षा पर व्यय। हमने इस अध्याय के प्रारंभ में देखा था कि जो अलग अलग देश होते हैं वहाँ पर अलग अलग देश अपने राजदूत जो है वो नियुक्त करके रखते हैं। उसके बाद अलग अलग देशों से संबंधित जो बॉर्डर हैं, सीमाएँ हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। इससे अलग हट के अगर हम बात करें देश में सुरक्षा उपकरणों की, तो बहुत सारे सैन्य उपकरण हालांकि अब हम अपने देशों में भी बनाने लगे हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा से संबंधित उपकरणों पर अभी भी अन्य देशों पर हमारी निर्भरता बनी हुई है। तो जब हम अन्य देशों से सुरक्षा के उपकरण खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उनके देश की मुद्रा में भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर एक तो विदेशी मुद्रा का व्यय होता है। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं विदेशी प्रतिस्पर्धा। विदेशों से कंपटीशन करने के लिए कई बार, जैसे मैंने बात की आपसे, कि विदेशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात निर्यात आयात करते हैं, लोगों से, दूसरे देश के लोगों से हम माल खरीदते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास का कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है भुगतान संतुलन को बिगाड़ने में। लगता तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आर्थिक विकास हो रहा है, लगातार हम देखते हैं कि सड़कें बन रही हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन इनके लिए राशि तो चाहिए, मुद्रा तो चाहिए, पैसे तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो देश की जो राष्ट्रीय आय है उसका भुगतान, उसका व्यय तो हो ही रहा है, और इतना ज़्यादा व्यय हो जाता है कि कई बार फिर विदेशों से ऋण लेना पड़ता है। तो दोनों चीज़ें जरूरी है, एक तो देश का आर्थिक विकास भी जरूरी है, और अगर जरूरी है तो उस पर पैसे खर्च करने भी जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में विदेशों से फिर ऋण लेना कहीं ना कहीं ज़रूरत बन जाती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को जन्म देते हैं। हालांकि ये ऐसे कारण हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। कहाँ पर रोके, किस चीज़ को, क्या हम अपने देश के लोगों की आवश्यकता पूरी ना करें, क्या हम आयात बंद कर दें, कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएँ, क्या हम अच्छी टेक्निक्स को बाहर से आयात ना करें, या फिर हम आर्थिक विकास पर लगाम लगा दें। कहीं ना कहीं कंडीशंस तो ऐसे बनती हैं जिनको कंट्रोल करना, रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद यही कारण है कि लंबे समय से प्रतिकूलता की स्थिति बनी रही। अब फिर भी कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय तो हैं कि इसको, प्रतिकूलता की जो स्थिति है भुगतान संतुलन के, उसको कम से कम कंट्रोल तो किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं जिससे भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता के स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो हमको काम करना होता है यहाँ पे कि निर्यात को प्रोत्साहन देना है। कैसे भी करके हमको अपने देश से निर्यात को बढ़ाना है, चाहे हमको उसके लिए अधिक श्रम लगाना पड़े, अच्छे श्रम का यूज़ करना पड़े, अच्छे संसाधनों का प्रयोग करना पड़े, अच्छी टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़े, लेकिन कैसे भी करके हमको निर्यात करना है। जब हम निर्यात करेंगे, निर्यात को बढ़ाएंगे, तभी हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, जो कि भुगतान संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमको आयात कर को कम करना है। जितना ज़्यादा हो सके हम अपने देश में जो वस्तुएँ बन रही हैं उनका हम प्रयोग करें, सदुपयोग करें, कहा जाए तो वेस्ट मत करें, ऐसा कंडीशन ना लाए कि हमारे देश में उसकी कमी हो जाए, उसको हमको विदेशों से आयात करना पड़े। शायद यही कारण है कि बार बार हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बार बार सरकार भी आग्रह करती है, लोग आग्रह करते हैं कि पेट्रोल की बचत करें, पेट्रोल बचाएं। तो इस तरह की के जो चीज़ें हैं जिनके लिए हमको किसी न किसी कारण से मजबूरी में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, कम से कम उसको हम, उसका दुरुपयोग तो ना करें, उसका सदुपयोग करें ताकि आयात को कम किया जा सके।
एक बात यहाँ पर यह आती है कि आयात को केवल कम ही नहीं करना है, हमको आयात का कुछ प्रतिस्थापन भी ढूंढना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम निरर्थक ही विदेशों से आयात करते रहते हैं। कपड़े हमारे देश में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, इवन हमारे यहाँ के जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो विदेशों में हम निर्यात करते हैं, हमारे देश में उनके इतने डिमांड नहीं है। तो क्यों हमारी मानसिकता ऐसी कि हम ब्रांडेड कपड़े ही हमको पहनने हैं, इम्पोर्टेड कपड़े ही हमको यूज़ करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इनका प्रयोग, इनका जो निर्माण है वो भी हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में होता है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का होता है, निर्माण होता है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता बनी हुई है हमको इम्पोर्टेड वस्तुएं चाहिए, विदेशों से मंगाई गई वस्तुएं चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रतिस्थापन जिनका कर सकते हैं। बहुत सारे हम ऐसे फूड भी उपयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं, जो विदेशों से आयात किए गए होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं, फिर भी हम उनको यूज़ करना, उनको खाना, उपयोग करना अपना एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। कहीं ना कहीं इस धारणा से हमको बाहर निकलना है और हर जो भी आयातित वस्तुएं हैं उनका एक प्रतिस्थापन, उनका एक सब्स्टिट्यूट हमको अपने ही देश में ढूंढना है। अगली बात हम करें इसके लिए तो हम देखते हैं कि विदेशी ऋण कैसे भी करके हमको विदेशी ऋण पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने देखा कि क्यों हमको ज़रूरत पड़ती है विदेशी ऋण की। लगातार आर्थिक विकास हो रहा है, लगातार आर्थिक विकास की योजनाएँ बन रही हैं, इसके लिए भी देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमको देश को ऋण ना लेना पड़े इसके लिए हमको सरकार को सहयोग करना है। हम सार्वजनिक वस्तुओं का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। टैक्स पे अगर हम हैं तो कर के प्रति हम जिम्मेदार रहें, कर अपवंचन, कर चोरी से बचें। सरकार के द्वारा जो शुल्क लगाकर आय के जो साधन हैं, जो स्रोत हैं, कम से कम उनका हम समय पर भुगतान करें, सही तरीके से भुगतान करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सरकार की सहायता कर सकते हैं। कोशिश तो हम कर सकते हैं कि सरकार को ऋण ना लेना पड़े विदेशों से। इसी तरह से विदेशी विनिमय भी एक पॉइंट आता है यहाँ पर। विदेशों में हम क्यों इन्वेस्ट करें, अपने देश की पूंजी हम विदेशों में क्यों लगाएं, बल्कि हमको कोशिश करना चाहिए कि दूसरे देश की कंपनियाँ आकर हमारे देश में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर विदेशी विनिमय भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता का। तो इस पे भी कुछ कहीं ना कहीं लगाम लगाना जरूरी है। उत्पादन में वृद्धि का, हमको उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करना है, क्योंकि हमने बात क्या कही कि निर्यात बढ़ाना है हमको। निर्यात कब बढ़ेगा, जब हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। हालांकि उसका दूसरा पहलू एक ये भी है कि हमको क्वालिटी भी सुधारनी है, गुणवत्ता भी हमको लाना है, तभी बाहर के लोग हमारी देश की जो चीज़ें हैं उनको पसंद करेंगे। लेकिन कई बार बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो होती हैं उनका प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है कि हम उसको अपने देश में यूज़ करके फिर बाहर भी भेज सकें। तो यहाँ हमको निर्यात में अगर प्रोत्साहन लाना है तो हमको उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छी टेक्निक, अच्छी मशीनों का प्रयोग करके हम उत्पादन में वृद्धि भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रयास किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात ये कि विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन देना है, बाहर की जो एजेंसियां हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, यानी दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं, उनको मौका देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए हमारे देश में आकर वो इन्वेस्ट करें। लोगों को यहाँ पे रोज़गार भी मिलेगा, विदेशी मुद्रा का एक साधन भी हमारे लिए बन पाएगा। विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आप देखते होंगे कि प्रत्येक राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने स्टेट के लिए जो उनके देखने लायक जो चीज़ें हैं, पर्यटन की जो चीज़ें हैं, टूरिज्म वाला जो वाली जो चीज़ें, उनको वो एडवर्टाइज़ करते हैं, लगातार एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप हमारे राज्य में आइए, हमारे राज्य में देखिए कि क्या क्या देखने की चीज़ें हैं। तो वो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने राज्य की आय बढ़ाना चाहते हैं। उनके राज्य में अगर लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो उनके राज्य की आय बढ़ेगी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे देश की, इंडिया की, तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि बाहर के जो लोग हैं, विदेशी जो पर्यटक हैं, वो कैसे आकर्षित हों, उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बुला सकें। क्योंकि विदेशी पर्यटक जब हमारे देश में आते हैं तो उससे हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत रूप से भी एक अपना फ़र्ज अदा कर सकते हैं कि बाहर के जो पर्यटक हैं वो अगर हमारे देश में आते हैं तो हम उनसे एक अच्छा व्यवहार रखें, एक अच्छी छवि उनके मन में हम रखें, ताकि ये जो एक आय का स्रोत है, हमको पर्यटन, विदेशी पर्यटन से जो आय होती है वो हमको लगातार प्राप्त होती रहे। यहीं पर एक महत्वपूर्ण कार्य हम ये कर सकते हैं कि गुणवत्ता में हमको सुधार लाना है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, हालांकि हमने बहुत बिंदुओं पर बात की, लेकिन दो चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर भुगतान संतुलन के यही कारण है, यही भुगतान संतुलन को बिगाड़ते हैं और यही भुगतान संतुलन को बनाते हैं। तो
मुख्य रूप से अगर निर्यात में हमको सुधार लाना है, निर्यात में हमको वृद्धि करना है, तो हमको अपने यहाँ की जो वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार लानी चाहिए, साथ ही साथ कीमत स्तर में भी सुधार लाना पड़ेगा। बहुत अत्यधिक मूल्य की वस्तुएं, बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बिना वजह वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ा के हम कहीं ना कहीं निर्यात को रोक देते हैं। तो यहाँ पर हमको वस्तु के कीमत स्तर को भी ऐसे कंट्रोल करके रखना है कि निर्यात की जो स्थिति है वो बेहतर बनी रहे। तो यहाँ तो हमने बात की भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता के कारण की। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि भारत में किस तरह की कंडीशन है, भारत में कैसे भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है, क्यों प्रतिकूल है, क्या उसके कारण है। अब आइए हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन का महत्व क्या है। तो भुगतान संतुलन के महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक है, यानी विभिन्न देशों से ये देश भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको कनेक्ट करता है। हम ये पता लगा लेते हैं कि भारत की जो मुद्रा है, भारत की जो करेंसी है, उसका विदेशों की करेंसी से, अलग अलग देश की करेंसी से अनुपात क्या है, कम है, ज़्यादा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, इसका हम आसानी से पता लगा लेते हैं। दूसरा एक ये इससे समझ में आ जाता है कि विदेशी व्यापार जो हो रहा है उसकी क्या प्रवृत्ति है, आयात निर्यात व्यापार जिसे हम कहते हैं, आयात निर्यात की क्या स्थिति है, आयात कम है या ज़्यादा है, निर्यात कम है या ज़्यादा है, या दोनों एक दूसरे की तुलना में कितने कम है कितने अधिक है, इसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी अच्छे से जाना है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, इसका एक महत्व ये भी है कि विदेशी ऋणों के भुगतान की स्थिति पता चल जाती है, दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं, विदेशी ऋण कितना है, क्योंकि हमने देखा कि विदेशी ऋण जो है वो भुगतान संतुलन की मदों में हम पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो जब हम उसका अवलोकन करते हैं तो हमको बहुत आसानी से विदेशी ऋण जो है उसकी क्या स्थिति है, कितना ब्याज है, कितना हमने ब्याज पटाया, किस किस देश से हमने ऋण लिया, सारी चीज़ें हमको बहुत आसानी से पता चल सकती हैं। ठीक इसी तरह मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव का भी ज्ञान हो जाता है, मुद्रा की वैल्यू कितनी घटी अलग अलग देशों की तुलना में, हमारे देश का जो रुपया है उसकी क्या स्थिति है, ये भी हम बहुत आसानी से प्राप्त ज्ञात कर सकते हैं। पिछले अध्याय में मुद्रा स्फीति के अंतर्गत हमने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जाना था कि क्या है मुद्रा स्फीति, मुद्रा का जो मूल्य है वो अन्य देशों की तुलना में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी हम बहुत अच्छे से आकलन कर लेते हैं। जब हम भुगतान संतुलन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो भुगतान संतुलन है ये प्रतिकूल है कि अनुकूल है। प्रतिकूल है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और अनुकूल है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव है राष्ट्रीय आय पर भुगतान संतुलन का, ये हम बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न मुद्राओं में देश के भुगतान संतुलन की स्थिति का हमको पता लगता है, किस किस देश की कितनी करेंसी हमारे पास है और हमको किस किस देश में कितनी कितनी करेंसी का भुगतान करना है। हम अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसियाँ होती हैं, तो किस किस देश की कितनी करेंसी है, कितना उनकी देयता या देनदारी बची हुई है, कितना उनको भुगतान करना है भविष्य में, ये भी बहुत आसानी से हम पता लगा लेते हैं। साथ ही किसका महत्व इसलिए भी है कि समृद्धता या असमृद्धता का प्रतीक है किसी भी देश का भुगतान संतुलन। हालांकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश के लिए भुगतान संतुलन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो देश समृद्ध है, समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, या असमृद्ध है, समृद्धि प्राप्त अभी तक नहीं कर पाया है। जब हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वो अनुकूल है, आय ज़्यादा है व्यय कम है, लंबे समय से अनुकूलता की स्थिति बनी हुई है, उसने अपनी इस स्थिति को बहुत अच्छे से रोक के रखा हुआ है, अनुकूल स्थिति को बनाया हुआ है, यानी कि समृद्ध है वो देश। और लगातार अगर भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं असमृद्धि का ये प्रतीक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापारिक तौर पर या आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सारे बिंदु इसमें शामिल होते हैं, जिससे हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि भुगतान संतुलन के द्वारा देश की एक्चुअल जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि भुगतान संतुलन क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हमने जाना कि जो भी विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं उनको किस प्रकार संतुलित रखा जाता है, और अगर यही मुद्रा भंडार संतुलित ना हो तो भुगतान असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे हमको ये तो समझ में आ गया
कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व दे रहे हैं तो हमको आयात व्यापार और निर्यात व्यापार दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। अगर आयात व्यापार में हम बढ़ोतरी करके निर्यात व्यापार को रोक दें तो आपने देखा कि किस प्रकार श्रीलंका जैसे देश आज इसका भुगतान भुगत रहे हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे घटने लगता है, कम हो जाता है और फिर भुगतान असंतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये इतनी भयावह स्थिति होती है कि ऐसी दशा में हम अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तो ना तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाता है और ना ही हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रख पाते हैं। तो भुगतान संतुलन किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कितना जरूरी है ये हमने जाना। किस तरह से भुगतान संतुलन की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं और भुगतान असंतुलन की स्थिति से किस प्रकार बचा जा सकता है या किस प्रकार निपटा जा सकता है, इन सभी विषयों पर हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि भुगतान असंतुलन को जन्म देने वाले जो विनिमय दरें हैं कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हम उनका निर्धारण करते हैं और उन्हीं विनिमय दरों को किस प्रकार नियंत्रित रखा जाता है, क्यों इन पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है।